मैं राजवीर सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मलारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ PSC पार्ट थर्ड। पिछले ही कंटेंट में हमने 6-membered heterocyclic कंपाउंड पीरीडीन के बारे में पढ़ा था। पीरीडीन का UPSC नाम एजीन बताया था और पीरीडीन के संश्लेषण की विधियां करी थी, पीरीडीन की अक्षारीय प्रकृति, प्रॉपर्टीज, ये सब अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, 5 and 6-membered कंडेंस्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी संघनित विषमचक्रीय यौगिक। विषमचक्रीय यौगिक जैसे कि अपने को पहले पढ़ा दिया था अपन ने कि क्या है ये विषमचक्रीय यौगिक, यानी एकल समतल चक्रीय वलय के अंदर रिंग बनाने में यदि कार्बन परमाणु के साथ साथ अन्य कोई विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि का अगर उपयोग करते हों तो उसे विषमचक्रीय यौगिक कहा जाता है। इसमें अपन ने पिरोल, फ्रेन, थायोफिन और पिरीडीन का अध्ययन कर लिया है। आज जो है संघनित विषमचक्रीय यौगिकों के अंदर जैसे कि 3 कंपाउंड अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पहला कंपाउंड इसके अंदर इंडोल, दूसरा कंपाउंड इसमें क्यूनोलिन जिसको अपन बेंजोपिरिडीन भी बोलते हैं, और तीसरा कंपाउंड जो है इसमें आइसोक्यूनोलिन। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही कंपाउंड इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला कंपाउंड जो है इंडोल जिसको अपन बेंजोपिरोल भी बोलते हैं, तो इस बेंजोपिरोल के अंदर या इंडोल के अंदर एक 6-membered रिंग बेंजीन की तथा दूसरी पिरोल की रिंग आपस में कंडेंस्ड है। यानी इसका अगर नोमेनक्लेचर करें अपन तो नाइट्रोजन पिरोल के अंदर जो विषम परमाणु है वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 नंबर इसको देंगे, फिर 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से इसका नामकरण जो है अपन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ इंडोल। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट संश्लेषण जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फिशर का इंडोल सिंथेसिस या फिशर इंडोल संश्लेषण। तो क्या है ये फिशर इंडोल संश्लेषण? इसके अंदर फेनिलहाइड्राजीन यानी C6H5NHNS2 की क्रिया जो है अपन या तो एसिटल्डिहाइड से करवाएंगे या एसीटोन से करवाएंगे या पाइरुविक एसिड जो है CH3C OH इससे करवाते हैं। एसिड कैटलिस्ट काम में लेते हैं और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या लुईस एसिड BF3 और कंसनट्रेट H2SO4 एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस प्रोडक्ट के अंदर इंडोल जो है वो प्राप्त होता है। यानी फेनिलहाइड्राजीन की क्रिया यदि एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो इंडोल प्राप्त होगा, फेनिलहाइड्राजीन की क्रिया यदि एसीटोन से करवाएंगे तो 2-methylis इंडोल जो है वो प्राप्त होगा, और यदि पाइरुविक एसिड से करवाते हैं तो इंडोल 2-carboxylic एसिड प्राप्त होगा। इसकी मैकेनिज्म यदि देखें तो फेनिलहाइड्राजीन में की क्रिया जो है अपने एसिटल्डिहाइड से करवाते हैं तो फेनिलहाइड्राजीन में NHNS2 ग्रुप है उसका H2O मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है, और जैसा कि रिएक्शन में दिखाया C6H5NH and double bond CH CH3 ये प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका रीअरेंजमेंट होकर के कंपाउंड जो है इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन विद्वलन भी होता है जैसा कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं अपन, और प्रोटॉन का विलोपन होता है, प्रोटॉन को जोड़ते हैं, और लास्ट में जो है
अमोनिया निकल करके इंडोल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये फिशर का इंडोल सिंथेसिस है। दूसरा मेथड जो है इसका इंडोल का, वो बनाने का मेथड है रिसर्ट सिंथेसिस। रिसर्ट भी एक वैज्ञानिक का नाम है। इसके अनुसार अपन ऑर्थोनाइट्रो टोल्यूनिन टोल्यूइन लेते हैं प्लस डाइएथिल ग्लाइऑक्सेट की क्रिया करवाते हैं दोनों की इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। तो ऑर्थोनाइट्रो टोल्यूइन के अंदर जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और डाइएथिल ऑक्सेट का एक इथोक्सी ग्रुप, वहाँ से एथेनॉल निकल करके सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में इंडोल प्राप्त होता है, जैसा कि इस नीचे वाली मैकेनिज्म के अंदर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये रिसर्ट का संश्लेषण है। रिसर्ट के संश्लेषण में ऑर्थोनाइट्रोटोलिन और डाइएथिल ऑक्सैलेट की क्रिया सोडियम इथोक्साइड से करवाते हैं और इंडोल प्राप्त होता है। तीसरा मेथड है लिप्स सिंथेसिस, यानी लिप का संश्लेषण। तो इसमें ऑर्थो अमीनो ओमेगा क्लोरोस्टायरीन लेते हैं, ऑर्थो अमीनो ओमेगा क्लोरोस्टायरीन की क्रिया सोडियम इथोक्साइड से करवाते हैं और इसमें से एथिल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड तो निकल जाते हैं और इंडोल प्राप्त होता है अपने को। सिंपल मेथड है। और फोर्थ मेथड जो है वो एनिलीन की क्रिया एसिटिलीन से करवाते हैं, एनिलीन प्लस एसिटिलीन, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से प्रवाहित करते हैं और इंडोल प्राप्त होता है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा इसका। सो ये चौथा मेथड हो गया इसका बनाने का। फिफ्थ मेथड है मडेलुंग या फ्रीडमैन सिंथेसिस। इसके अंदर अपन कंपाउंड लेंगे ऑर्थोफॉर्मिल अमीनोटोल्यूइन, ऑर्थोफॉर्मिल अमीनोटोल्यूइन सोडियम इथोक्साइड और सोडियम सोडामाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और इंडोल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि इस मैकेनिज्म में आपको स्पष्ट दिखाया गया है, यू कैन सी। तो ये पांच मेथड हैं इसके इंडोल के बनाने के। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ करें, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं अपन, तो इंडोल क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रूटी स्मेल यानी ऑरेंज टाइप स्मेल आती है, सोल्यूबल इन हॉट वाटर एल्कोहल एंड इथर। बेसिक करेक्टर जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर क्षारीय प्रकृति देखें तो इंडोल के अंदर NH ग्रुप यानी सेकेंडरी अमीन जो है वो उपस्थित है, जो कि पिरोल की भांति दुर्बल क्षार होता है, क्योंकि इंडोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर पिरोल वलय के एरोमेटिक सटक के पूर्ण करने में प्रयुक्त होता है तथा यह प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि इंडोल के अनादि संरचनाओं में स्पष्ट हो जाएगा कि इंडोल के अनादि संरचनाओं में नाइट्रोजन धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति भी जागृत होती है। इसकी रिएक्शंस के द्वारा अपन शो कर सकते हैं, इंडोल लिया क्रिग्नार रिएजेंट से क्रिया कराई तो अल्केन प्राप्त होता है, ये इसकी अम्लीय प्रकृति होगी, और इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में अल्केन। अगर इंडोल की क्रिया सोडामाइड से कराते हैं NaNH2 से तो सोडियम साल्ट ऑफ इंडोल प्राप्त होता है, और इसी को प्रोडक्ट को अगर आगे अल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो एन अल्किल पिरोल जो है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इंडोल की अगर एडिशन रिएक्शंस करें अपन, तो इंडोल की रिएक्शन यदि कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं इंडोल का, यानी 8 हाइड्रोजन अगर काम में लेते हैं, 4 डबल बॉन्ड है इंडोल के अंदर, तो अगर 8 हाइड्रोजन काम में लें और रेनी रिकल की उपस्थिति में अगर रिडक्शन कराएं इसका, तो ओक्टा हाइड्रो इंडोल जो है वो प्राप्त होता है अपने को। यदि इसका पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं यानी 2 हाइड्रोजन काम में लें 10+HCl, तो इंडोल या सिंपली अपन ये कह सकते हैं 2-3 डाई हाइड्रो इंडोल या इंडोलीन प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन यदि इसका ऑक्सीडेशन कराएं इंडोल का, तो इंडोल की क्रिया यदि ओजोन या परबेंजोइक एसिड के साथ करवाते हैं तो 2-4-मील अमीनो बेंजल्डिहाइड जो है प्राप्त होता है अपने को। यानी एक तरह से इंडोल में उपस्थित पिरोल रिंग के ऊपर, जो पिरोल रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर ओजोनाइड बन जाएगा और ओजोनाइड में से H2O का निष्कासन होकर के 2-4-मील अमीनो बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि इंडोल का ऑक्सीजेशन कराएं अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इंडोक्सिल प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। और इस 2 मोल इंडोक्सिल के अगर डाइमराइजेशन करा दें, इसका 2 मोल ले लें इंडोक्सिल के, तो डाइमराइजेशन होकर के ये एक बहुत ही डाई बनाता है जिसको अपन इंडिगो बोलते हैं। तो ये एक रंजक बनता है, इम्पोर्टेंट इंडिगो स्ट्रक्चर जैसे दे रखी है। इसके बाद अपन इसकी डिस्कस करें रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल, तो इंडोल में पहले ये देखना है अपने को कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कौन सी स्थिति पर जुड़ता है। तो इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल मुख्यतया स्थिति 3 पर जुड़ता है, नहीं कि 2, 4, या 6 के ऊपर। यदि स्थिति 3 रिक्त नहीं है तब प्रतिस्थापन 2 या 6 पर होता है। ये इसका कारण है मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया है। इंडोल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल यदि 2 या 6 स्थिति पर जोड़ते हैं तो एक अस्थायी संरचना बनती है जिसमें दोनों वलय में एरोमेटिक सेक्सटेट नहीं है। और यदि स्थिति 3 पर नीचे वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं तो दोनों रिंग के अंदर दोनों संरचनाएँ जो मध्यवर्ती की बनती हैं वो स्थायी हैं, अर्थात दोनों संरचनाओं में बेंजील वलय का एरोमेटिक सेक्सटेट जो है वो उपस्थित होता है, अर्थात ये दोनों ही संरचनाएँ स्थायी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्थिति 3 पर जुड़ेगा, न कि 2 या 6 के ऊपर। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल जो है स्थिति 3 पर ही क्यों जुड़ता है, 2 या 6 के ऊपर क्यों नहीं जुड़ता। तो ये इसका कारण अपन ये इस रिएक्शन के द्वारा इसको समझा सकते हैं। फिर इसके कुछ उदाहरण करें अपन, जैसे इंडोल है, इंडोल का अगर नाइट्रीकरण करवाते हैं, एथिल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 3-नाइट्रो इंडोल। और यदि इंडोल की क्रिया अपन सल्फर ट्राईऑक्साइड और पीडीन से कराएं तो इंडोल 3-सल्फोनिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। इंडोल की रिएक्शन यदि अपन सल्फर ट्राईऑक्साइड और पीडीन के साथ करवाते हैं और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूशन जो है इंडोल 2-सल्फोनिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से एलोजिनेशन कराएं इंडोल का सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ SO2Cl2 के साथ, तो 3-क्लोरो इंडोल जो है प्राप्त होता है। चौथी रिएक्शन इसकी अगर FCR कराएं यानी एसिटिकनाइड्राइड के साथ या एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो 3-एसिटिल इंडोल जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है अपने को। इसी प्रकार से इंडोल की कुछ अन्य इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जैसे नेम रिएक्शन है रायमन टीमन रिएक्शन, यानी इंडोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा दें तो 3-4-मील इंडोल जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि इंडोल की रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन करा दें इसकी, यानी हाइड्रोजन साइनाइड HCl और H2O की उपस्थिति में, तो भी प्रोडक्ट वही रायमन टीमन वाला बनता है, इंडोल 3-कार्बोल्डिहाइड, या 3-4-मील इंडोल जो है प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है। फिर इंडोल की रिएक्शन यदि अपन फॉर्मल्डिहाइड और डाइमेथिलामीन, यानी इंडोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस डाइमेथिलामीन, तो इसको मैनिक रिएक्शन बोलते हैं और प्रोडक्ट बनता है 3NN-DIMETHYLAMINOMETHYLINDOL। और लास्ट रिएक्शन इसकी 8वीं जो है वो कपलिंग रिएक्शन। तो इंडोल की क्रिया यदि अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो 3-एरिलाजो इंडोल जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है अपने को। तो कुल मिलाकर के अपन ने अभी कंडेंस्ड 6-मेंबर्ड वेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात की है, तो इसमें इंडोल क्या है, इंडोल के बनाने की विधियां क्या हैं, इंडोल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
इन सब को अपन ने आज डिस्कस किया है। तो ये कंठस्थ याद कर लो कि इंडोल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिशर का इंडोल संश्लेषण। यानी मैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है फिशर का इंडोल सिंथेसिस के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकते हैं कि इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल जो है मुख्यतया तीन स्थिति पर ही क्यों जुड़ता है, दो या छः पर क्यों नहीं जुड़ता, तो इसका कारण भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस संघनित विषम चक्रीय योगों के अंदर पूरा का पूरा इंडोल का जो टॉपिक है वो अपन ने आज डिस्कस कर लिया है। तो इसमें आपको याद करना है ये इंडोल। अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन क्विनोलिन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।